जेट प्लांट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता, आपकी गार्डनर दोस्त। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये है जेट प्लांट, देख रहे हो कितना फ्लैशी फ्लैशी हो रहा है। मेरा ये थर्ड फ्लोर पर पड़ा है। इस समय आप ये ज़रूरी काम करो, ये जो है ना, इसमें वीट वगैरह उगाइए, घास है, आलतू फालतू चीज़ें हैं ये सब निकाल दो, है ना, वरना सारी न्यूट्रिएंट्स हैं जो सारे यही ले जाएंगे, इसे कुछ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा प्लांट है ये, बहुत सीधा साधा बच्चा है ये, इसे कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं। कैसे भी प्लांटर में लगा दो, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, या सीमेंट का हो, किसी में भी चल जाता है ये, पॉलीबैग भी चल जाएगा ये। ये शायद में पिटूनिया ग्रो हो रहा है, मैं देसी पिटूनिया डाल देती हूँ ऐसे इधर उधर, वही हो रही है साथ में। इसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पानी मत दो, है सकुलेंट, मगर ऐसा भी नहीं कि हाँ आपका थर्ड फ्लोर पे पड़ा है, फुल धूप में पड़ा है और आप इसमें पानी ना डालो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसमें सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालो। पानी नहीं डालोगे तो आप इसकी जो लीव्स है ना, ये श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी बिल्कुल, और ज़्यादा पानी पड़ेगा तो ये गल जाएंगी। मेरा प्लांटर ऐसा ही रहता है हर समय। इसकी मैं जब ये बारिश ख़त्म हो जाए तो मैं इसकी मिट्टी फिर चेंज करूँगी, खाद बाद दूंगी, क्योंकि फिर भी मेरा अच्छा चल रहा है। इसकी मैंने कटिंग ही लगाई थी, इतनी छोटी कटिंग लगाई थी, इतनी छोटी छोटी। अब छोटी छोटी की कटिंग लगा लो और ये आराम से ग्रो हो जाता है। बिल्कुल जरा सी कटिंग लगाओ ना, वो भी ग्रो हो जाएगी। बहुत ईजी टू ग्रो, ईजी टू केयर प्लांट है ये, तो आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको सकुलेंट से प्यार है तो आप इन्हें ज़रूर लगाओ, अपने प्लांट्स में शामिल करो अपने घर में। और ये इसका बोनसाई बहुत अच्छा बनता है, मैं इसका बोनसाई बनाऊँगी। मेरा प्लांटर भी बहुत भारी है तो मैं इसका बोनसाई ही बनाऊँगी, सुंदर भी लगेगा। इसकी ब्रांचेस ना जब भी बड़ा हो जाता है तो नीचे को ऐसे ऐसे लुढ़कती रहती हैं। इसे क्या कहते हैं, आप अपने वर्टिकल गार्डन बनाओ तो उसमें बॉटल में लगा सकते हो, तो उसमें लटका हुआ बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट। आप चाहो तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा दो, उसमें भी बहुत सुंदर लगेगा। इसकी जी ब्रांचेस है जब ये बड़ी हो जाती तो नीचे को लटकती हैं, ऐसे ट्रेल करती हुई ऐसे करके जाती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। मेरा बहुत मन था ये बोनसाई बनाने का, देखो हो जाता है तो अच्छा है। मैं इसे डिस्टर्ब इसीलिए नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी प्रॉब्लम तो दे नहीं रहा है, न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो रही है। देखो ये छोटी छोटी सी न्यू ग्रोथ आ रही है, ये है, ये देखो ये है, ये छोटी छोटी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ये छोटी छोटी, तो मैं इसलिए इसे डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ अभी। वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं सितंबर निकल जाएगा, अक्टूबर में लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिशें अभी बहुत हो रही हैं। देखो आप कितना बादल है, हैं, रात में भी बारिश हुई थी, अब फिर बारिश का ही मूड बन रहा है, धूप भी ऐसे ही निकली थी। इस प्लांट को बिल्कुल छाया में भी मत रखो, छाया में रखोगे तो ये इसकी ये जो कलर है ना शाइनी, इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसे सुबह की 2-4 घंटे की धूप मिले वो ऐसी जगह पे रखो आप। सो ब्यूटीफुल प्लांट, ये मेरा कोलिया से ये मैंने लगाया था, दूसरी वैरायटी का कटिंग लगाई थी, अब वो भी चल गई है। इसका भी दो कटिंग लगाई थी, एक ये है एक नीचे है, तो नीचे वाली मैं दे आई मंदिर में लगाई जाके। ये मैक्सिकन पिटूनिया है, ये इसमें पर्पल कलर के, बहुत बड़ा प्लांट था ये, तो उसमें टाट के बोरे में लगा हुआ था, तो वो निकाल के फिर मैंने थोड़ी सी ब्रांचेज इसमें लगा दी हैं। ये सदाबहार देखो आप कितना निकल रहा है, वाइट सदाबहार है, सारे सीड्स ग्रो हो रहे हैं उसके, पर मुझे ज़्यादा सदाबहार चाहिए भी नहीं, अब तो ख़त्म ही होने वाला है। इसको आप फीड, मैं तो इसे सिर्फ वही देती हूँ, जब लगाया था तो 50% गोबर की खाद डाली थी इसमें जेट प्लांट में, और इसमें 50% मिट्टी और रेत डाली थी। देखो है अभी भी भुरभुरी, रात बारिश हुई थी मगर फिर भी पानी रुका नहीं है इसमें। अभी मैं इसमें और रेत मिलाऊंगी, जब बारिश रुक जाएंगी जिस दिन, तो मैं और मिट्टी लगा के निकाल दूंगी इसे, सही से अच्छे से ग्रो करूंगी। और लिक्विड फर्टिलाइजर तो डालती रहती हूँ मैं, कभी NPK डाल देती हूँ, NPK कंसर्टिया जो जैविक आता है वो, और कभी ये कोयला है, अरे गिर गया कोयला, इसमें डाल रखा है मैंने,
और कभी उसमें एनपीके डाल देती हूँ, सरसों की खली भी डाल देती हूँ, कंपोस्टी भी डाल देती हूँ, इसमें फर्टिलाइजर जब सब में डालती हूँ तभी इसमें डालती हूँ। एक्स्ट्रा केयर कोई नहीं होती है इसकी कि हाँ स्पेशली इसे कुछ खाद दूँ। अब जब अक्टूबर में जब ये बदल जाएगी, थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा, तब इसमें फीड कराऊंगी, फिर से इसकी मिट्टी चेंज करूंगी। अभी तो अच्छे से चल ही रहा है, देखो कितनी अच्छी सी ग्रोथ चल रही है। सोचो जरा सा प्लांट, जरा सी थी ये ब्रांच, ये इतनी सी ब्रांच थी, इतनी सी कट करके लाई थी, वो इतनी बड़ी हो गई है। अब जब टाइम मिलेगा, मौसम थोड़ा चेंज होगा, तब मैं इसे चेंज करूँगी। ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय फ्रेंड्स।